नीमच में निंदुरा एक विशेष प्रकार का मच्छर आमजनों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनकर लोगों का सड़क पर चलना दुभर कर रहा है। यही नहीं, ये मच्छर लोगों को कई तरह की एलर्जी बीमारियों से ग्रसित कर अस्पतालों के चक्कर भी कटवा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मच्छर कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही छोटा मोइला मच्छर है जो कि सरसों की खेती किए जाने वाले इलाकों में ही पाया जाता है, जो दिन के समय खेतों से निकलकर शहर का रुख कर सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर देता है। मोइला मच्छर दिखने में जितना छोटा हो लेकिन आमजनों के लिए परेशानी बड़ी पैदा कर रहा है। ये मच्छर करोड़ों की तादाद में सड़कों पर उड़ते हुए अचानक ही राहगीरों की आंख और नाक मुंह के माध्यम से घुसकर एलर्जी पैदा कर देता है। वहीं इनकी वजह से हादसे भी कई बार देखने को मिले हैं। आलम कभी कभी तो ये रहता है कि सड़क पर पैदल चलना तक लोगों का दुभर हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर भी मोइले से लोगों को बचाव के जतन किए जाने की सलाह दे रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई है कि गाड़ी पे चलने में तो आंखों में ऐसा लगता है जैसे मोइला गिरता है, जैसे आंखों में जलन मच रही, किसी ने मिर्ची डाल दी हो, सामने कुछ नजर नहीं आता है और इससे एक्सीडेंट के 100% चांस बन जाते हैं। परसों के दिन गायत्री मंदिर के सामने के एक्सीडेंट ऐसा हुआ, उसे उदयपुर रेफर करना पड़ा। उसकी मिसेज और पति पत्नी दोनों उदयपुर में एडमिट है इस मोइले की वजह से। और ये इन दिनों में जब फसल कटती है, इन दिनों में 2 महीने इसी भयंकर परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है आम नागरिक को, और इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई धुआं वगैरह या कोई कीटनाशक वगैरह छिड़के, इससे नगरपालिका और प्रशासन इस पर ध्यान दे तो इससे ये चीज़ से छुटकारा मिल सके। खुजली चलने लग जाती है, आंखों में लालपन आ जाता है और अजीब सी ऐसा होता है जैसे कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई। मोइले से बहुत दिक्कत आ रही है, बाजार में बाइक चला रहे हैं तो आँख में गिरता है, आँख जलन करने लग जाती है, बहुत सारी समस्या है। बाइक मोइले को लेकर अपने को बाइक चलाने में दिक्कत आ रही है, पैदल चल रहे हो तो मुँह पे आ रहा है, बिना ये रुमाल के अपन नहीं चल पा रहे हैं, चश्मे के बिना, हेलमेट बिना चश्मे के नहीं चल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ये सरसों कटी ना, अभी सरसों की वजह से बाजार में आ गया मोइला, सब सरसों कटी है अभी बाजार में मोइला। अभी ये आपका कहना सही है कि अभी इस समय धनिया पे फूल आ रहे हैं, पकने का समय आ रहा है और इस समय मोइले का प्रकोप बढ़ जाता है। मोइले के मच्छर वायुमंडल में तैरते ही रहते हैं, इनसे चलने पैदल चलना या गाड़ी पे चलने के अंदर अचानक आँख में गिर जाना या नाक के रास्ते गले में चले जाना होता रहता है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती है। किसी को सांस की बीमारी भी, सांस का अटैक आ जाता है, ऐसी कई तरह की तकलीफें होती है। इससे बचाव का सबसे सही तरीका यही है कि जहाँ तक हो सके आँखों पर चश्मा लगा के, अगर गागल्स या चश्मा जो भी लगता है आदमी को वो लगा के चले, मुँह को ढक के चले, जिससे कि मोइले के मच्छरों का प्रकोप उसके शरीर पे, आँखों पे, नाक में कम से कम हो।